प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 अक्टूबर को रोजगार मेला की शुरुआत करेंगे और इस योजना के जरिए 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी मिलेगी। इस समारोह के पहले फेज में 75,000 युवाओं को अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाएगा। पीएम मोदी इस मौके पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नियुक्ति पत्र पाने वालों को संबोधित भी करेंगे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जी मीडिया संवाददाता अमरीश पांडे हमारे साथ है। अमरीश, 75,000 लोगों को नियुक्ति पत्र, मतलब ये तो दिवाली से पहले बहुत बड़ी सौगात है नौकरी की, वो भी। जी बिल्कुल स्वाति, लगातार प्रधानमंत्री सौगात देते आ रहे हैं और जो ये शनिवार आने वाला है, शनिवार को भी देश के 75,000 युवाओं को एक बड़ा तोहफा दिवाली से पहले प्रधानमंत्री देंगे। ये होगा सरकारी नौकरी का तोहफा, यानी कि देश भारत सरकार के जो 38 मंत्रालय और विभाग हैं उनमें लगभग 75,000 इन युवाओं को पहले फेज में जो एंट्री मिलने जा रही है उसका नियुक्ति पत्र प्रधानमंत्री देंगे और साथ ही साथ रोजगार मेले की भी शुरुआत करेंगे और इस मेले में वो भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी जिसमें कि सरकार का लक्ष्य है कि 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दी जाए, यानी कि सरकार में तमाम जो खाली पद पड़े हैं उनको भरने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी शनिवार के बाद से। उसका जो शुभारंभ है वो प्रधानमंत्री करने वाले हैं, साथ साथ इन युवाओं को वो नियुक्ति पत्र देके उनको संबोधित भी करेंगे। उनको संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री उनसे ये कह सकते हैं कि किस तरह देश के प्रति आपकी जिम्मेदारी है, देश अगर अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है तो देश के प्रति आपकी जो जिम्मेदारी है उसको निभाइए और तमाम जो विभाग है सरकार के वो अपने अपने स्तर पे जो घोषणाएं हैं वो करते हुए दिखेंगे। वो उसमें जितने भी ऐसे मंत्रालय हैं जहाँ पे नौकरियां ज्यादा हैं वो सबसे पहले होंगे, मतलब कि रेल मंत्रालय, भारी उद्योग मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, कॉमर्स एंड टेक्सटाइल मंत्रालय, इस तरह के जितने मंत्रालय जहाँ पे कि नौकरियों की ज्यादा संभावना है वो पहले फेज में अपने स्तर की घोषणाएं करेंगे और वो जो लोग हैं जो इसके लिए एलिजिबल हैं वो एप्लीकेशन भी उस पहले दिन से ही शुरू कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर दिवाली से पहले एक बड़ा तोहफा प्रधानमंत्री देंगे और एक बड़ी शुरुआत करेंगे, 10 लाख नौकरी के मौके लोगों को मुहैया कराएंगे। जी बहुत धन्यवाद करेंगे अमरीश इस पूरी खबर पर और ज्यादा अपडेट देने के।